वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में अपने वर्ल्ड कप अभियान का आगाज करेगी। और वही इसी बीच भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछले कई सालों में हमने देखा है कि भारत पाकिस्तान मैच करीबन हर बार एक तरफा ही रहा है। भारत ने इन मैचों में पाकिस्तान को हराया है और भारत पाकिस्तान मैच के लिए लोगों में गजब का उत्साह रहता है, लेकिन बीते कई सालों में क्वालिटी मैच नहीं देखने को मिला है। भारत टीम का पाकिस्तान पर दबदबा भी रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पिछले T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने थी। दोनों टीमों के बीच मैच आखिरी गेंद तक गया था, जिसमें टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 4 विकेट से मात दे दी थी। और वहीं गांगुली ने T20 वर्ल्ड कप 2021 को भी याद किया और कहा, जब इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान का आमना सामना हुआ था, उस मैच में बाबर आजम की अगुवाई वाली पाकिस्तान टीम ने भारत को 10 विकेट से करारी हार दी थी। सौरव गांगुली का मानना है कि वर्ल्ड कप 2023 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मजेदार मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोनों टीमों के बीच क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिलेगा। इसके अलावा बता दूं, भारत और पाकिस्तान की टीमें 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने होगी। और वहीं भारत तो ऑस्ट्रेलिया का मैच 8 अक्टूबर को चेन्नई में खेला जाएगा। ये मैच वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया का पहला मैच होगा। आपको क्या लगता है कि इन टीमों का क्वालिटी मैच होगा, भारत पाकिस्तान या भारत ऑस्ट्रेलिया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही और खेल जगत से जुड़ी अपडेट्स के लिए बने रहे स्पोर्ट्स लाइव के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।